नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई कि आईपीएल 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सौरव गांगुली ने भाई एक बहुत ही बड़ा जो है बयान दे दिया है आईपीएल 2021 को लेकर के। तो दोस्तों ऐसे में भाई जो फैंस की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं बात करूँ आईपीएल 2021 के लिए और उनमें जो रोमांच है आईपीएल 21 के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। और दोस्तों हम साथ में यह भी बात करेंगे भाई कि इन दिनों विराट कोहली की जो कप्तानी है उनको लेकर बहुत ही बड़ा जो है सवाल उठाया जा रहा है और पार्थिव पटेल ने भाई एकदम चौंकाने देने वाला जो है बयान दिया है विराट कोहली के पक्ष में। तो दोस्तों भाई क्या कुछ है ये सब रिपोर्ट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सबसे बड़े फ़ैन हैं अगर आप आरसीबी के किंग कोहली के और भाई आईपीएल के तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो है रोज़ाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों आप भी जो भाई हमें कमेंट करके बताते रहिएगा कि जो निर्णय लिया गया है सौरव गांगुली द्वारा और पार्थिव पटेल ने क्या कुछ बोला है विराट कोहली के बारे में वो सही है या फिर नहीं। तो दोस्तों हम बात करते हैं भाई कि जो आईपीएल 2020 है उसका जो अंत है वो तो अच्छा खासा हो गया और मुंबई इंडियंस ने जो है पांचवा खिताब जीत लिया है और इसी के साथ वो पहली टीम बन गई है जिसके पास आईपीएल का सबसे ज़्यादा खिताब है। तो अब दोस्तों भाई आईपीएल 2020 के बाद आईपीएल 2021 के लिए जो फैंस की उम्मीदें हैं उनमें भाई जो काफ़ी अच्छा रोमांस देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई जो खबर आ रही है वो ये है कि आईपीएल 2021 में दो और नई टीमें ऐड हो सकती हैं। तो दोस्तों भाई उन दोनों टीमों का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि एक गुजरात की तरफ से आ सकती है और एक पुणे की टीम हो सकती है। दोस्तों ये दोनों वही टीमें भाई जिन्होंने आईपीएल में खेला है अगर हम बात करें 2016 और 17 के आईपीएल में। तो दोस्तों भाई इन दोनों टीमों ने इच्छा जताई है लेकिन दोस्तों इस पर कुछ भी अभी जो स्पष्टता है वो साफ नहीं हुई है। बात करें सौरव गांगुली की, जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक हमें जो है पता चल जाएगा कि क्या ये दोनों टीमें पक्का आएंगी कि नहीं आएंगी आईपीएल 2021 के लिए। तो दोस्तों उसी को लेकर भाई जो मेगा ऑक्शन उसका प्लान बनाया जा रहा है लेकिन दोस्तों इन सब से अलग भाई जब आईपीएल में आरसीबी की टीम हो गई बाहर, यानी कि आईपीएल 2020 में जब प्लेऑफ में हार कर आईपीएल से आरसीबी की टीम हो गई बाहर तो उन्होंने लगातार अपने 5 मैचेस हारे थे। तो इसी को लेकर भाई विराट कोहली की जो कप्तानी उस पर काफ़ी बड़े सवाल जो है उठने लगे हैं। दोस्तों भाई इसी को लेकर के जो पार्थिव पटेल, उन्होंने कह दिया है कि विराट कोहली और अगर हम रोहित शर्मा की तुलना करें तो रोहित शर्मा जो है काफ़ी अच्छे फिट बैठते हैं कप्तानी को लेकर के, लेकिन बात करें भाई खिलाड़ियों की तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बेहतर हैं और इन दोनों में जो है कंपटीशन किया नहीं जा सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है भाई कि क्या विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए T20 के लिए? दोस्तों आपके कमेंट का भाई हमें रहेगा इंतज़ार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाई कि जो सौरव गांगुली ने उन्होंने क्या बयान दिया है। दोस्तों भाई कल एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई कि एक वेबिनार में, एक वेब मीटिंग में जो सौरव गांगुली हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उन्होंने कह दिया है कि आईपीएल 2021 जो है वो भारत में ही होगा। अब दोस्तों उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने कहा है भाई कि जो आईपीएल है वो हमने इंडिया के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि जो हमारी क्रिकेट टीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सके, तो इसीलिए जो आईपीएल है उसे किसी भी तरीके से हम 2021 में जो आईपीएल है उसे भारत में कराने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों भाई जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई तो फैंस में जो एक पूरी तरीके से सनसनी मच गई है और उनमें जो रोमांच है आईपीएल 2021 का वो लेकर भाई काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी भाई कि क्या आईपीएल 2021 जब आता है उस सीज़न में भाई कोरोना का क्या रहेगा सिचुएशन, क्या हमें परमिशन मिलेगी भारत सरकार से आईपीएल 2021 को लेकर के। दोस्तों भाई ये बहुत ही बड़ी जो है चिंता जताई जा रही है कि जो कोरोना है वो कब खत्म होगा। दोस्तों भाई आशा करते हैं कि जो आईपीएल 2021 है जो है वो हमें भारत में देखने को मिले और फैंस भी जो है भाई उसका जो है लुफ्त जा करके उठा सके स्टेडियम में। तो दोस्तों भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और जो खबर है अपडेट्स पसंद आई रहेंगी। तो भाई वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सबसे बड़े फ़ैन है अगर आप आरसीबी के किंग कोहली के और भाई आईपीएल आपकी जो फेवरेट लीग है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी हुई और भाई आईपीएल से जुड़ी हुई। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।